hello friends welcome back to my channel online gurukul if you haven't subscribed to my channel please subscribe and also hit the bell icon because whenever i will upload a video you will get the notification so let's start today's session that is vocabulary session series part 7 if you haven't watched my previous videos please go and watch those videos also because those videos are very important for any of the government exam link is in the description box तो टूडेज़ फर्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड इज़ डिल्ली डैली द मीनिंग ऑफ डिली डैली इज़ डिले करना समय गंवाना किसी भी चीज़ को हम डिले कर देते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम समय गंवाते हैं वह है डिली डैली का मीनिंग अब आपको इसकी ट्रिक देखोगे इसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर ही है क्योंकि डैली डेली दोनों का जो लिटिल बिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है सिमिलर आ रहा है डेली 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 ओके अब हम इसको कैसे यूज़ कर कर याद करेंगे हम लोगों को डेली डिली डेली नहीं करना चाहिए हम लोगों को डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए हम लोगों को डेली डेली नहीं करना चाहिए तो यहाँ से पता चलता है डिली डेली का जो मीनिंग है वो है समय गंवाना डिले करना किसी चीज़ को अब सिनोनियम और एंटोनियम देख लेते हैं डिली डेली का जो सिनोनियम है डिली डेली का वो है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन अब द मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग मतलब किसी भी एक्शन को जब हम डिले करते हैं या पोस्टपोन करते हैं दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन जो कि बिल्कुल सिमिलर है डिली डेली से क्योंकि डिली डैली का मीनिंग भी डिले ही करना है और प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग भी डिले ही करना होता है अब इसका एंटोनियम देखते हैं हरी हरी मतलब जल्दी तो ये बिल्कुल इसका एंटोनियम हो जाएगा डिली डेली का अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं डोंट डिली डैली जस्ट गेट योर बैग्स एंड लेट्स go. डोंट वेस्ट टाइम डोंट डिले टाइम डोंट समय मत गवाओ बस अपने बैग ले आओ और चलो तो यहाँ से पता चलता है डीली डेली का जो मीनिंग है वो हो जाएगा डिले करना किसी चीज़ को किसी काम को नेक्स्ट वर्ड इज़ सीध द मीनिंग ऑफ सीध इज़ गुस्से से खोलना जब बहुत ज़्यादा अधिक हमें गुस्सा आता है जब बहुत ज़्यादा हम गुस्सा करने लगते हैं तो वो क्या होता है सीध होता है अब इसकी ट्रिक देखोगे आप वर्ड के अंदर ही है स्पेलिंग के अंदर ही है एस डबल ई सी और टी एच ई को धे ऐसे हम पढ़ सकते हैं सीधे तो तुम इतने सीधे होने के बावजूद गुस्से से उबल रहे हो मतलब तुम इतने सीधे हो और तब भी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तुम इतने गुस्से से उबल रहे हो तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो सीध सीध है इसका मीनिंग है गुस्से से खोलना गुस्से से उबलना अब जो सीध है इनका सिनोनियम देख लेते हैं एंग्री और जो एंटोनियम अं है हैप्पी इसका सेंटेंस देखते हैं बाय द एंड ऑफ द मीटिंग ही वॉज सीदिंग मीटिंग के एंड में मीटिंग के अंत में वह गुस्से से खोल रहा था उसको बहुत अत्यधिक गुस्सा आ रहा था वो सीदिंग कर रहा था सीध कर रहा था तो यहाँ से हमें पता चलता है जो सीध है उसका मीनिंग होता है गुस्से से खोलना बहुत अत्यधिक गुस्सा करना नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टनासिटी द मीनिंग ऑफ टनासिटी इज ज़िद्दी होना अपने गोल की तरफ मतलब जब ज़िद्दी तो हो तुम लेकिन कौन से वाला ज़िद्दी है ये मतलब पॉजिटिव जिद्दी है कोई भी एक गोल है तुम उसको अचीव करना चाहते हो और उस गोल को अचीव करने के लिए तुमने जिद कर रखी है तुम पॉजिटिव वे में मेहनत कर रहे हो जिद ज़िद्दी होकर तो यहाँ से पता चलता है टनासिटी का मीनिंग होता है ज़िद्दी होना लेकिन किस वे में पॉजिटिव वे में अपने गोल की तरफ जिद्दी होना तो यहाँ से पता चलता है टनासिटी का मतलब ज़िद्दी होना अब ट्रिक देखो आप इसकी स्पेलिंग के अंदर ही इसकी ट्रिक है टीना टी ई एन ए को हम टीना पढ़ सकते हैं देन सी टी टीना सिटी में रहने के लिए टनासिटी कर रही है जिद कर रही है क्योंकि उसको जो अपना गोल अचीव करना है वो सिटी में रहकर ही कर सकती है दैट्स वाई वो टनासिटी कर रही है जिद कर रही है तो टीना सिटी में रहने की टनासिटी कर रही है जिद कर रही है तो यहाँ से पता चलता है टनासिटी का मतलब जिद हट करना तप करना अब टनासिटी के जो है सिनोनियम्स देख लेते हैं हम परजिस्टेंस और परिस्टेंस का मीनिंग भी होता है दृढ़ता हट करना बिल्कुल सिमिलर मीनिंग दे रहा है दैट्स वाई इसका सिनोनियम है और एंटोनियम है टिमिडिटी और जो टिमिडिटी है इसका जो मीनिंग होता है लैक ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस तो यहाँ से पत, पता चलता है टिमिडिटी इसका एंटोनियम है अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं इट वॉज ओनली एम्बोर्न करेज एंड टनेसिटी दैट सेव डैम नाउ यह केवल जन्मजात साहस और जिद थी जिसने जिसने उन्हें बचा लिया ठीक है यहाँ से पता चलता है कि टनासिटी का जो मीनिंग है वो है ज़िद्दी होना पॉजिटिव वे में ज़िद्दी होना लेकिन नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ऑबड्यूरेट ऑबड्यूरेट का मीनिंग भी ज़िद्दी होना ही होता है लेकिन ढीट बनकर ज़िद्दी होना मतलब एक व्यक्ति बहुत ही ढीट है और वो बहुत ही ज़िद्दी है तो यहाँ उसका मीनिंग होगा ऑब्ड्यूरेट ऑब्ड्यूरेट होगा इसका मीनिंग अब इसके ट्रिक देखोगे आप ऑबड्यू ओ बी डी यू को अब्दू बोल सकते हो आप और आगे रेट अब्दुल रेट ठीक है अब्दुल रेट को लेकर ऑब्ड्यूरेट है स्टब्बन है जिद्दी है ढीठ है तो यहाँ से पता चलता है जो ऑब्ड्यूरेट है उसका मीनिंग हो जाएगा जिद्दी होना ढीठ होना सिनोनियम देखते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉपॉन का मीनिंग भी जिद्दी होना ही होता है और जो एंटोनियम है वो है मैलिएबल मैलिएबल का मीनिंग होता है कोई भी अगर व्यक्ति कोई बात को आसानी से मान जाता है दैट इज़ मेली मेलिएबल अब इसका जो है सेंटेंस देखते हैं दे आर्ग्यूड बट ही रिमेन ऑबड्यूरेन्ट उन्होंने आपस में तर्क किया आर्ग्यू किया लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा लेकिन वह ऑबड्यूरेट ही रहा तो यहाँ से हमें पता चलता है ऑबड्यूरेट का मीनिंग जिद्दी होना ढीठ होना और नेक्स्ट वर्ड इज एसेलेंट एसेलेंट का मीनिंग होता है आक्रमण आक्रमण संबंधी या आक्रमणकारी मतलब कोई भी आक्रमण से रिलेटेड चीज़ है दैट इज एसेलेंट है अब देखो अब इसकी ट्रिक असल ए एस एस ए एल को हम असल बोल सकते हैं और एंट असल में तुम्हारी आंट जो है डोसाइल नहीं है जो तुम्हारी आंट है वो विनर्म नहीं है डोसाइल का मीनिंग विनर्म होता है असल में तुम्हारी आंट डोसाइल नहीं है विनर्म नहीं है लेकिन अग्रेसर है एसलेंट है आक्रमणकारी है ठीक है तुम्हारी आंट कैसी है एग्रेसर है एसलेंट है आक्रमणकारी है विनर्म नहीं है डोसाइल नहीं है एसलेंट के जो है सिनोनियम देख लेते हैं एग्रेसर एग्रेसर का मीनिंग भी आक्रमण संबंधी होता है और जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा वीक कमजोर इसका सेंटेंस देखते हैं आई हर्ड माई एक्सलेंट सर्चिंग फ्रॉम रूम टू रूम मैंने सुना कि मेरे हमलावार मेरे आक्रमणकारी जो हैं मुझे कमरे से कमरे में खोज रहे हैं तो यहाँ से पता चलता है जो एक्सलेंट है इसका मीनिंग होता है आक्रमण आक्रमण संबंधी आक्रमणकारी ना नेक्स्ट वर्ड इज बैबल बैबल का मीनिंग होता है बड़बड़ाना मतलब लगातार बोले ही जा रहे हैं बोले ही जा रहे हैं अब देखो बैबल बबली बैबल बबली दोनों स... सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं थोड़ा बहुत सिमिलर तो हम इसको इस ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो जो बैबल है बबली है बबली हमेशा बड़बड़ाती रहती है बैबल करती रहती है मतलब जो बबली है लड़कियां हमेशा बड़बड़ाती रहती हैं बोलती ही रहती हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बबली एक लड़की है जो हमेशा बड़बड़ाती रहती है बैबलिंग करती रहती है तो यहाँ से पता चला कि जो बैबल है उसका मीनिंग होता है बड़बड़ाना सिनोनियम देख लेते हैं प्रैटल और जो प्रैटल का मीनिंग होता है बकबक बक करना बड़बड़ाना बकबक करना सेम बात है तो प्रैटल इसका सिनोनीम हो जाएगा और हर्ष हो जाएगा इसका एंटोनियम हर्ष का मीनिंग होता है चुप रहना मतलब बिल्कुल ही खामोश रहना चुप रहना दैट इज हर्ष अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं द आंसर्स वर डिफिकल्ट टू हीर अमिट द बैबल ऑफ कॉन्वर्जेशन बातचीत की बड़बड़ाहट के बीच जवाब सुनना मुश्किल था तो यहाँ से पता चलता है कि जो बैबल का मीनिंग होता है बड़बड़ाना होता है नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एपज्योर एफजर एफज्यूअर का मीनिंग होता है शपथ पूर्वक त्याग करना मतलब किसी चीज़ को हम छोड़ रहे हैं पूरा शपथ ले लिया हमने ओत लेकर छोड़ रहे हैं कि अब हम ये चीज़ आगे से नहीं करेंगे बिल्कुल त्याग कर दिया है उस चीज़ का छोड़ दिया है तो एफजूर का जो मीनिंग होता है शपथ पूर्वक त्याग करना अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ए बी को आप अब पढ़ सकते हैं और जे यू आर ई को जोर पढ़ सकते हैं अब इसकी ट्रिक देखो अब जोर इसकी ट्रिक हो गई अब जोर से बोल दिया गलत आदतों को त्याग एब्ज्योर कर दूंगा अब मैंने जोर से बोल दिया भाई अब जोर से बोल दिया तो सबने सुन लिया है अब तो मुझे अपनी जो गलत आदतें हैं उनको एबजोर करना पड़ेगा उनको त्याग करना पड़ेगा तो यहाँ से पता चला जो एबजोर है उसका मीनिंग होता है त्याग करना शपथपूर्वक अब इसका सिनोनियम देख लेते हैं रिनाउंस रिनाउंस का मतलब भी त्याग करना ही होता है और जो इसका एंटोनियम है वो है असर्ट एसर्ट मतलब हक जमाना असर्ट मतलब होता है हक जमाना मतलब किसी चीज़ पर हक जमा रहे हैं कि ये मेरी है दैट इज असर्ट अब इसका सेंटेंस देखते हैं इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू एब्ज्योर द लग्जरीज ऑफ लाइफ उसके लिए जीवन लाइफ की जो लग्जरी था उसको त्याग करना बहुत ही एब्ज्योर कठिन था तो यहां से पता चल रहा है कि एफ का मीनिंग होता है त्याग करना नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लेटेंट लेटेंट का मतलब होता है गुप्त अव्यक्त मतलब किसी चीज को हम जब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं छुपा कर रख रहे हैं अव्यक्त करके रख रहे हैं दैट इज लेटेंट अब लेटेंट को हम लेट से ट्रिक uh, करके याद कर सकते हैं लेट एल ए टी जो लेट है तो लेट late, लेटेंट ऐसे करके याद करना लेट आने की बात को लेटेंट रखो अव्यक्त रखो क्योंकि भैया जब हम क्लास में लेट जाते हैं तो टीचर्स पनिशमेंट दे देते हैं हमें कि लेट आए हो तो भैया जो लेट आने की बात है उनको क्या रखना है हमें लेट एनडी रखना है हमें गुप्ती रखना है हम हमें उन्हें व्यक्त नहीं करना अव्यक्त ही रखना है अब इसका सिनोनियम देख लेते हैं अनडिस्कवर्ड जो चीज़ डिस्कवर्ड नहीं हुई हो दैट इज़ अनडिस्कवर्ड इसका सिनोनियम हो जाएगा और जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट का जो मीनिंग है वो होता है प्रकट करना प्रकट होना मतलब सामने आ जाना दैट इज मैनिफेस्ट प्रकट होना <laughs> तो अब इसका जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं These have a huge reserve of a latent talent. इन बच्चों के पास अव्यक्त गुप्त प्रतिभा का एक भंडार है मतलब वो टैलेंट है लेकिन छुपा हुआ है अव्यक्त है तो दैट तो तो इज लेटेंट लेटेंट का मीनिंग हो जाएगा छुपा हुआ अव्यक्त जिसको व्यक्त ना किया गया हो ना और नेक्स्ट वर्ड इज होर्ड होर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है जमा करना मतलब जमा कर लेना इकट्ठा कर लेना अब आप होड को होड से रिलेट कर सकते हो जितने भी नेता हैं जो सारे नेता हैं उनमें धन को होड स्टोर करने की होड लगी हुई है क्या लगी हुई है होड लगी हुई है सारे नेताओं में धन को होड करने की होड लगी हुई है तो यहाँ से पता चलेगा जो होर्ड है उसका मीनिंग हो जाएगा जमा करना अब सिनोनेम हो जाएगा होर्ड का स्टोर करना और एंटोनियम हो जाएगा स्क्वेंडर स्क्वेंडर का मीनिंग हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं अगर नहीं देखिए तो देखिए जाकर स्क्वेंडर की ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है स्क्वेंडर का मीनिंग होता है व्यर्थ व्यय करना अब एक तो आप किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हो और एक किसी चीज़ को व्यर्थ में व्यय कर रहे हो व्यर्थ में खर, मतलब खर्च करे जा रहे हो तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है एंटोनियम हो जाएगा स्क्वेंडर अब इसका जो है हम सेंटेंस uh, देखते हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीपल बिगेन होर्डिंग फूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीपल बिगेन होर्डिंग फूड महामारी के दौरान लोग भोजन जमा करना शुरू कर देते हैं मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो रिसेंट महामारी चल रही है पैंडमिक चल रही है तो शुरुआत में सबने जो है फूड को होर्ड करना चालू कर दिया था जमा करना चालू कर दिया था नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिसमे डिसमे का जो मीनिंग होता है वो होता है निराश अब दिस में ही इसकी ट्रिक है डी आई एस दिस दिस बोल सकते और मे दिस में से हम बहुत डिस में हैं निराश है मतलब ये जो मे है सभी निरा, निराश है और सारा जो वर्ल्ड है वो निराश है ड्यू टू दिस पैंडमिक तो जो दिस मे से सब निराश हैं बहुत ज़्यादा निराश हैं डिस्मे हैं अब इसका सिनोनियम देखोगे डिसहार्टन इसका सिनोनियम हो जाएगा और जो एंटोनियम है वो हो जाएगा एनकरेज सेंटेंस देखते हैं नाव डेज आई फील डिस ड्यू टू दिस पैंडमिक आजकल मैं इस महामारी के कारण निराश हूँ सो दैट इज इट फॉर टू गाइज अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को लाइक करो और कॉमेंट कर कर बताओ थैंक यू